अपने केले की मालिश किस तरीके से करें कि जो है वो लकड़ी की तरह कड़क हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी हर टाइम वो किस तरह एक्टिव रहे, आपका केला और बीवी की चीखें भी निकालें। इसके लिए जब आप नहाने जाएं, तो अपने केले की अच्छे तरीके से उसको सरसों के तेल से, जैतून के तेल से मालिश करें। मालिश करने का तरीका ये है कि आप सरसों या जैतून के तेल को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर उल्टे हाथ से जो है आप अपने केले की मालिश करें। केले की मालिश इस तरीके से करें कि टोपी को छोड़कर बाकी एंड तक इसकी अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद इसको 5 मिनट तक जो है वो ऐसे ही रहने दें और मसाज जो है वो आपने पूरे 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट के बाद जो है आप उसको रहने दें ताकि तेल अच्छे तरीके से इसकी रगों में जज्ब हो जाए और इसके बाद आप इसको धो लें और फिर आप उसके बाद आप इसे नहा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ेगी और जो है बीवी की चीखें भी निकलेंगी और फिर इससे जो है वो आपका नफ्स भी बिल्कुल एक्टिव और ठीक रहेगा और उसमें ढीलापन नहीं आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में दूसरे भाग के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।